नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। प्रश्न है, प्रोटेस्टा जगत में पाई जाने वाली पोषण विधियों को संक्षेप में समझाइए। उत्तर है, प्रोटेस्टा जगत में रखे गए जीवों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जो प्रोटेस्टा जगत में रखे गए जीवों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, अतः पोषण विधियाँ भी अलग अलग होती हैं और पोषण विधियाँ भी अलग अलग होती हैं। कुछ महत्वपूर्ण पोषण विधियाँ निम्नलिखित हैं। पहली है प्रकाश संश्लेषी पोषण। प्रकाश संश्लेषी पोषण अर्थात पादप संपोषण, यह विधि ऐसे जीवों में पाई जाती है जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या? जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, अतः ये जीव प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। उदाहरण है डायटम्स। अगला है जंतु संपोषण। यह जंतु संपोषण, तो इस प्रकार के जीव भोजन को निगल कर ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के जीव क्या कहते हैं? भोजन को निगल कर ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं। इनमें भोजन को ग्रहण करने के लिए विशिष्ट अंग तथा पाचन के लिए एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, जो ये जीव होते हैं और भोजन को निगल कर ग्रहण करते हैं, तो इनमें भोजन को ग्रहण करने के लिए विशिष्ट अंग तथा पाचन के लिए एंजाइम पाए जाते हैं। उदाहरण अमीबा पैरामीशियम। मृतोपजीवी पोषण। क्या है मृतोपजीवी पोषण? तो इस विधि में जीव अपने शरीर से स्त्रावित होने वाले एंजाइम्स के द्वारा सड़ी गली वस्तुओं के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करके पोषण प्राप्त करते हैं। उदाहरण अवपंख कवक। चौथा है परजीवी पोषण। ऐसे प्रोटेस्ट पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। क्या होते हैं? दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, परजीवी प्रोटेस्ट कहलाते हैं। उदाहरण प्लाज्मोडियम। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम। पांचवा है मिश्रित पोषण। क्या मिश्रित पोषण? इस प्रकार के जीवों में पादप सम और जंतु सम, जैसे पादप सम और जंतु सम, दोनों प्रकार का पोषण पाया जाता है। उदाहरण युगलीना। तो हे गाइज, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।